आंगनवाड़ी आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पर किया प्रदर्शन। एक युवक में कार्य करने में मानदेय बढ़ाने की मांग। महीने के 2500 रुपए से नाकुश कार्यकर्ता। अपना मानदेय बढ़ाने को लेकर आज आशा सहयोगी ने फिर से प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि इन्हें 2 विभाग में कार्य करना होता है, एक हॉस्पिटल और एक आंगनवाड़ी, जिसकी वजह से कार्य का बोझ आता है और इसके बाद भी केवल 2500 रुपए ही मानदेय दिया जाता है। इसलिए आज कलेक्टर के बाद प्रदर्शन का रोष जाहिर किया। हमारी मांगे पूरी करनी होगी सरकार को। हम ये चाहते हैं कि हमें 2 विभागों की बजाय हमें एक ही विभाग को जोड़ा जाए। हम 2 विभागों का काम करते हैं, एक ICDS का, आंगनबाड़ी महिला बाल विकास का, और एक दूसरा NRHM का, हॉस्पिटल का काम। हमें दोनों विभागों का काम करना पड़ता है, जिसमें आज हमने जो ये मातृत्व दर और शिशु मृत्यु दर जो कम हुई है, और आज जो हमारा अजमेर इतिहास में पहली बार प्रथम आया है, वो आज सहयोगनी की वजह से आया है। क्योंकि सहयोगनी पूरा काम करती है, हॉस्पिटल के सारे काम करती है, यहाँ तक कि महिला की जब एंट्री होती है, जब वो महिला गर्भवती होती है, जब से लेके बच्चे का टीकाकरण तक, ये सब एक आशा सहयोगनी देखती है। हमारी परेशानी है, पेमेंट सिर्फ 2500 रुपए है। हमारा 2500 रुपए बढ़ाकर हमें कार्यकर्ता के बराबर मानदेय दिया जाए और हमें एक विभाग से जोड़ा जाए। परेशानी हमें पेमेंट की है सिर्फ, हमारे को मंथली 2500 रुपए मिलता है। 2500 रुपए आज घर का गुजारा कैसे चलेगा ये बता। हमारी पेमेंट बढ़ाई जाए, हमारे को ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम है। हमारी पेमेंट सिर्फ 650 रुपए भरी है। आगे हमारी मांग है कि हमारी पेमेंट 10000 रुपए की जाए और हमें NM के भर्ती में दर्जा दिया जाए। रेहाना मानो आशा सहयोगी नसीराबाद।